दुनिया की सभी मिलिट्री फोर्सेस आज जो कुछ भी है उसमें पावरफुल वेपन्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। दुनिया भर में इतनी एडवांसमेंट हो गई है और इतने एडवांस वेपन्स आ गए हैं कि इनके बारे में सुनते ही पता लग जाता है कि ये कितनी दहशत फैला सकते हैं। इन्हीं वेपन्स की वजह से आज दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। जिस देश के पास ऐसे ताकतवर हथियार मौजूद है उनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको दुनिया की कुछ 6 सबसे बेहतरीन पावरफुल मिसाइल लॉन्चर्स और वेपन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सभी मिलिट्री फोर्सेस के पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री फोर्स के पास ये वेपन्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। नंबर 1, ओहायो क्लास सबमरीन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओहायो क्लास सबमरीन से। आप सभी सबमरीन के बारे में तो जानते ही होंगे। देश की सुरक्षा करने के लिए पानी में मिलिट्री फोर्सेस की पावरफुल सबमरीन तैनात होती है। ओहायो क्लास सबमरीन 1970s में डिजाइन की गई थी। इस सबमरीन को यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 560 फीट लंबी ये ओहायो क्लास सबमरीन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट सबमरीन है। इस सबमरीन का वेट 18,750 टन है। इस सबमरीन में 4 क्रूज मिसाइल्स और 14 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है जो दुश्मनों को चकनाचूर कर देती है। इस सबमरीन से निकलने वाली क्रूज मिसाइल की स्पीड 800 से 1,000 किलोमीटर पर आर की होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आर की है। ये सबमरीन 22 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पानी के ऊपर चलती है और 37 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पानी के अंदर। इस सबमरीन के लिए 2 क्रू है, एक ब्लू और दूसरी गोल्ड क्रू, जो 70 से 90 डेज तक पेट्रोलिंग करते हैं। ये सबमरीन अपने 1982 के सी ट्रायल्स में अनडिटेक्टेबल साबित हुई थी, जिसकी वजह से यूएस नेवी का बहुत ही ज्यादा फायदा है। इस सबमरीन को बनाने में 1990s में 14,500 करोड़ रुपए लगते थे और आज के समय में इस सबमरीन को बनाने में 21,500 करोड़ रुपए लग जाते हैं। नंबर 2, K300P बेस्टन पी। अब बात करते हैं K300P बेस्टन पी की, जिसका रिपोर्टिंग नाम SSC-5 स्टूज है। ये रशिया का बेहद ही खतरनाक मोबाइल कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इस पावरफुल मिसाइल सिस्टम को NPO मेसिनो एस्टोनिया ने 2010 में बनाया था। इस हथियार में यूज होने वाली मिसाइल 3000 kg भारी होती है और 8.9 मीटर लंबी। इस मिसाइल को एक पावरफुल ट्रक की मदद से लॉन्च किया जाता है। जब ये मिसाइल अपना टारगेट लॉक कर लेती है तब इसे फायर किया जाता है। फायर करते ही ये ऊपर की तरफ निकलती है, फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इस मिसाइल सिस्टम में P-800 ओनिक्स नाम की मिसाइल यूज होती है, जो कि एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 3,087 किलोमीटर पर आर तक की होती है। ये मिसाइल 350 से 450 किलोमीटर दूर तक मौजूद टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। बेस्टन पी मिसाइल का मेन काम बड़े आर्मर शिप को डिस्ट्रॉय करने का होता है। नंबर 3, TOS-1। अगले नंबर पर आता है TOS-1। TOS-1 एक सोवियत 220mm 24 बैरल का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस टैंक में एक नहीं बल्कि 24 रॉकेट लॉन्चर लगे हैं जो दुश्मनों को चुटकियों में खत्म कर देती है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के हल्के वाहनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इसका टेस्ट 1988-1989 में हुआ था और 1999 में ओम्स में इसे पहली बार पब्लिक में दिखाया गया। इसका वेट 45,000 kg का है और इसकी लंबाई 31 feet 2 inches की है और इसकी ऊंचाई 7 feet 3 inches की है। इस खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को रशिया, सीरिया, सोवियत यूनियन और इराक ने इसे अपनी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया है और आज भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी फायरिंग रेट काफी ज्यादा तेज है। ये अपने सभी 24 मिसाइल्स को सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 seconds में फायर कर देती है। और बात करें इसकी फायरिंग रेंज की, तो इसकी फायरिंग रेंज 500 से 3500 मीटर्स तक की है। पर 2003 में TOS-1 का इम्प्रूव्ड सिस्टम TOS-1A आया, जिसकी रेंज अब 3500 मीटर नहीं बल्कि 6000 मीटर्स यानी कि 6 किलोमीटर तक की है। नंबर 4, S-400 मिसाइल सिस्टम। तो चौथे नंबर पर आती है S-400 मिसाइल सिस्टम, S-400 ट्रायम, जिसका रिपोर्टिंग नाम SA-21 ग्रोलर है।
पहले इसे S-300 PMU-3 के नाम से भी जाना जाता था। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो 1990s में रशिया के एलमास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया था। ये S-300 सीरीज का फैमिली का अपग्रेडेड वर्जन है। रशियन आर्म्ड फोर्स इसे 2007 से इस्तेमाल कर रही है। इसका फर्स्ट फॉरेन बायर चाइना था और उसके बाद सऊदी अरेबिया, टर्की जैसे देशों ने इसे रशियन गवर्नमेंट से खरीद लिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइमन वीजमैन ने इसे मोस्ट एडवांस्ड एयर सिस्टम कहा, और कहे भी क्यों ना, क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड काफ़ी बेहतरीन होती है, 17,280 किलोमीटर पर आर की, और इसकी टारगेट डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर तक है। 2017 में S-400 को द इकोनॉमिस्ट के द्वारा वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करंटली मेड का भी किताब मिला था। नंबर 5, AK-630M2। नंबर 5 पर आती है AK-630M2। 30mm की AK-630M2 ये ऑटोमेटिक शिपबोर्न गन को रिमोटली एक रेडार से या ईओ फायर कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। इस वेपन का निर्माण स्पेशली शिप के ऊपर लगाने के लिए किया गया है, और ये एंटी शिप मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और छोटे मोटे टारगेट्स को आसानी से तबाह कर देती है। इसके कुछ बेहतरीन फीचर्स भी है, जैसे कि इसका रेट ऑफ फायर बहुत ही ज्यादा है जो 10,000 RDS पर मिनट है। इसमें बहुत ही भारी मात्रा में रेडी टू फायर एमुनेशन जो कि कम से कम 4,000 राउंड्स तक चल सकती है, और तो और इसका छोटा साइज भी काबिलियत तारीफ है जो आसानी से शिप्स पर अटैच कर दिया जाता है। नंबर 6, RPG-7। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, और शायद आपने इसे किसी मूवी या फिर गेम में इस RPG-7 रॉकेट लॉन्चर को देखा ही होगा। इस रॉकेट लॉन्चर को बेजार्ट नाम की एक रशियन कंपनी बनाती है। इसका वेट 6.3 kg का होता है और ये 950 mm लंबा होता है। इस रॉकेट लॉन्चर की मैक्सिमम फायरिंग रेंज 700 मीटर्स की होती है, और इसे आज करीब 40 देशों में इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे फायर किया जाता है तो उसमें से निकलने वाले रॉकेट की स्पीड 414 किलोमीटर पर आर की होती है। इस लॉन्चर को 1961 से अभी तक यूज किया जा रहा है, और आज तक 90 लाख से भी ज़्यादा RPG-7 बन चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव होता है, इसीलिए ये रॉकेट लॉन्चर आज काफ़ी देशों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।